नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड सेवन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों हम कवर करने वाले हैं जापान प्रीमियर लीग T20 का मैच नंबर 7, जो कि दोस्तों अभी खेला जाएगा SKS में से KC टीम्स के बीच। डिप्लांस करेंगे स्टूडियो फुल स्टार प्रेजेंट पो। दोनों टीमों को एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अपनी जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों कभी कभार लिंक वर्क ना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realfwp, आपको फैंटसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को अपने ज्वाइन करना। दोस्तों मेरे नाम से कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो प्लीज़ आप उनसे सावधान रहिएगा। और यूजर नेम @realfwp देख के 25,000 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में सुबह 10:30 से स्टार्ट होगा। और दोस्तों मैच होने वाला है सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जापान के अंदर मैच खेला जाएगा। जब बात करें दोस्तों मैच पिच की, तो अभी तक इस टूर्नामेंट के जो भी मैचेस इस ग्राउंड पे खेले गए हैं, ओवरऑल विकेट बैलेंस देखने को मिला है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बॉलर्स को ही एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, खास करके दोस्तों पेसर्स को, वो भी शुरुआती ओवर्स में अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, उसके बाद बैटिंग थोड़ा सा ईजी हो जाता है। लेकिन जो मतलब अच्छे टैलेंटेड स्पिनर हैं, वो लोग स्पिनर्स भी थोड़ा बहुत गेम में रहते हैं। ओवरऑल 120 से 140 के रेंज में आपको स्कोरिंग देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक यहाँ पे जो SKS की टीम है और इनका इस टूर्नामेंट में पहला मैच है। और दोस्तों ये जो सारे प्लेयर के स्टैट्स दिए हुए रीसेंट के स्टैट्स हैं, जो नीचे मेंशन किए हुए हैं। ऊपर जो स्टैट्स मेंशन किए गए हैं ऊपर वाले सेक्शन में, वो इनके ओवरऑल स्टैट्स हैं। अब जो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल में खेल चुके हैं जापान के लिए, उसके सामने मैंने INT लिख दिया है। बाकी जिनके सामने कुछ नहीं लिखा, ये उनका ओवरऑल स्टैट्स है डोमेस्टिक का T20 का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कुछ ही प्लेयर हैं जिनके सामने INT आपको लिखा नजर आएगा, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, तो वो टीम आपकी टीम में मस्ट पिक रहेंगे। बाकी के जो प्लेयर हैं वो उनका ओवरऑल T20 का स्टैट्स है, और जो प्लेयर रीसेंट में खेले हुए हैं, तो उसके नीचे मैंने यहाँ पे रीसेंट परफॉर्मेंस भी उनका लिख रखा है। तो डिटेल में बात करेंगे वीडियो में, यदि आपने हमारा वीडियो देखा है तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे नूर इब्राहिम, उनके साथ ओपन करने आएंगे एस रविचंद्रन। दोस्तों जब खेलते हैं जापान के लिए तो वहाँ पर बतौर मिडल ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन डोमेस्टिक में ओपन करते हैं, यहाँ पर ओपन करना चाहिए। हालांकि दोस्तों SKS का जो आज पहला मैच है, आज सुबह 6:30 से स्टार्ट हुआ है, तो जैसे वो मैच कंप्लीट हो जाएगा तो हमको पता चल जाएगा इनका एग्जैक्ट बैटिंग ऑर्डर, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा जैसे वो मैच कंप्लीट हो जाएगा। बाकी दोस्तों नूर इब्राहिम भी डोमेस्टिक में ओपन करते हैं, 9 T20 मैच के अंदर 173 रन 24 के एवरेज, ठीक ठाक से पिक रहेंगे, बैटिंग सेक्शन से ट्राई कर सकते हैं। रविचंद्रन आपकी टीम में मस्ट पिक रहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर इनके स्टेट अच्छे हैं। 6 T20 मैच जापान के लिए खेले, 96 रन बनाए हैं 19 की एवरेज से और 8 विकेट निकाले हैं 6 मैच में, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका कमाल का परफॉर्मेंस है। रिसेंट में भी अच्छा करके आ रहे हैं, लगातार विकेट निकाले, 1 विकेट 12 रन, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, तो बॉलिंग से कमाल के आंकड़े, सेफ ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग में कैप्टन से। यदि आप स्मॉल लीग खेलें तो बिल्कुल अपनी टीम का सीधे सीधे कैप्टन बना दीजिए। 1 नंबर बैटिंग करते देखेंगे अधिक टू फाड़ के राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक डाल सकते हैं। हालांकि दोस्तों रिसेंट में जो लास्ट के 5 गेम खेले किसी भी मैच में बॉलिंग नहीं कराई, 15-0 32 और 17 किया हुआ, लेकिन जब इनके ओवरऑल मैंने T20 के स्टेट चेक किए, 71 T20 मैच खेले, 1485 की 29 की ओर से 43 विकेट है। रेगुलर बॉलिंग नहीं करते, लेकिन हाँ बीच बीच में बॉलिंग कर सकते हैं कभी भी, और रिसेंट में बॉलिंग नहीं कर रहे, इसलिए बतौर बल्लेबाजी मान के आप ट्राई कर सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि बैटिंग से अच्छा कर सकते हैं तो ट्राई कर सकते हो, डोमेस्टिक लेवल के प्लेयर हैं, इसलिए मैं बोलूँगा ठीक ठाक से ही पिक हैं, कोई मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो रख लीजिए चाहे तो छोड़ भी दीजिए, इनसे बेहतर ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। विकेट कीपिंग सेक्शन से एलेक्स पटमोरो को आप ट्राई कर सकते हो, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी खेले हैं, लेकिन वहाँ पर उतने अच्छे आंकड़े नहीं रहे हैं। डोमेस्टिक में जो लास्ट के 4 गेम खेले 41-7-7 और 9 किया है, इंटरनेशनल लेवल पर जो 6 मैच खेले इन्होंने जापान के लिए 57 रन बनाए 6 T20 में 11 की ओर से, वहाँ भी नंबर 4-5 पे खेलते हैं, यहाँ भी आपको नंबर 4-5 के आसपास खेलते हुए नजर आएंगे। बात करें दोस्तों रजत मौली की, राइट हैंड मीडियम पार्ट टाइम कर सकते हैं बॉलिंग, राइट हैंड बैट्समैन है, 11-12 रीसेंट में 2 मैचेस में स्कोर रहा है, और 29 गेंद में 446 रन 17 के और सिर्फ 4 विकेट एवरेज, ऑप्शन आसानी से आप छोड़ दीजिए। मोहम्मद उमर को भी छोड़ दीजिएगा, एक ही मैच का स्कोर कार्ड मिला, वहाँ पर सिर्फ 5 रन बनाए हैं। न्यू थॉमस की बात करें, जो कि राइट हैंड बैट्समैन है राइट हैंड मीडियम, अब दोस्तों लास्ट के जो 2 गेम खेले हैं 1 विकेट इनके नाम है, वहीं इस सीरीज से पहले 19 T20 मैच में 100 रन इनके नाम, 10 की ओर से और 13 विकेट हैं। अब आप इनके आंकड़े देखिए, बॉलिंग से भी मतलब उतने अच्छे आंकड़े डोमेस्टिक में नहीं, 19 मैच में सिर्फ 13 ही विकेट हैं, मतलब हो सकता है आपको बॉलिंग बहुत ज़्यादा करते हुए ना दिखें, 2 ओवर के आसपास बॉलिंग डालें और बैटिंग भी नीचे है, तो मुझे एवरेज ऑप्शन लगे, और कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आपको इनसे बेहतर ऑप्शन मिलेगा, आप इनको छोड़ दीजिए। आरव तिवारी की बात करें, 33 मैच में 33 विकेट इनके नाम है डोमेस्टिक के अंदर, थोड़ा बहुत रन भी है, थोड़ा बहुत हिटिंग कर सकते हैं, एवरेज ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेंगे, इनसे बेहतर ऑप्शन है, आप इनको भी छोड़ सकते हो। गुरुमान सिंह भले ही डोमेस्टिक में खेले हैं, लेकिन आंकड़े बहुत जबरदस्त हैं, 78 T20 में डोमेस्टिक में 107 विकेट हैं, तो मतलब बहुत ही कहड़ा के आ रहे हैं। और रिसेंट का परफॉर्मेंस देखिए, भले ही डोमेस्टिक का, लेकिन 14 रन 2 विकेट 6 रन 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट हर मैच में अच्छे खासे विकेट लेके जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मस्ट है पिक, आप इनको जरूर लेके जाए। 10 विकेट निकाल चुके हैं लास्ट के 5 गेम में, तो आपकी टीम इंपॉर्टेंट है। गुरुमान सिंह ध्यान रखिएगा नाम। पीयूष कुम्हारे लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स,
जापान के लिए छठी ट्वेंटी में 8 विकेट निकाले हैं। रीसेंट में देखिए 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट रीसेंट में लग सकते हैं। आखिरी 5 गेम में 7 विकेट है, तो मस्ट पिक ग्रैंडलिंग में से भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे कुबोटा राइट आर्म मीडियम है, इंटरनेशनल में 5 गेम में 5 विकेट है, रीसेंट में भी आखिरी 5 गेम में 5 ही विकेट है, तो ठीक ठाक पिक ये भी रहेंगे। 14 नंबर का स्क्वाड है, ये 3 प्लेयर बेंच में रहेंगे, इनका मुझे ओवरऑल स्टेट्स मिला नहीं है। बाकी यही प्लेइंग 11 रहना चाहिए एस के एस का, यदि कोई भी लाइनअप पे चेंजेस होते हैं, क्योंकि इस टीम का जो पहला मैच है आज मॉर्निंग में सुबह 6:30 से स्टार्ट हुआ है, तो जैसे वो मैच कंप्लीट होगा तुमको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इनमें से इनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो जो भी बैटिंग ऑर्डर होगा, जो भी अपडेट होगा, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो भी मेरी फाइनल टीम होगी जिस टीम से मैं खेलूंगा, मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। जुड़ना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। 25,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हमको वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लें, समय से आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो की। और हम 50,000 के बहुत नज़दीक हैं, तो वो भी माइलस्टोन पूरा जल्दी हो जाएगा। बात करते हैं केसी की, इनका पहला मैच इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। चरित कोटोकारा इनके साथ ओपन करने आएंगे, सोटा वाटा यदि बात करें दोस्तों कोटोकारा की, फिर राइट हैंड बैट्समैन विकेट कीपिंग करेंगे। लास्ट गेम जो उन्होंने रीसेंट में खेला था वहाँ पे 8 रन किए थे। इस सीरीज से पहले जो 21 T20 मैच उन्होंने कुल मिला खेले हैं अपने करियर में, 569 रन किए हैं 31 की एवरेज से। डोमेस्टिक में कमाल का फॉर्म इनका रहा है रीसेंट में, ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक से पिक रहेंगे, ओपन करना चाहिए। इनके साथ ओपन करने आएंगे सोटी वाटा, राइट हैंड बैट्समैन है, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे 2 मैचेस खेले हैं उन्होंने जापान के लिए, 25 रन बनाए हैं, 12 का एवरेज आप कह सकते हो। और रिसेंट में दोस्तों जो मैचेस खेले हैं 4, उसमें 25-0, 8 और 5 का स्कोर है। अब जब ये जापान के लिए खेले हैं ना, नंबर 3 पे मैच खेले हैं यहाँ पे, लेकिन ओपन करना चाहिए डोमेस्टिक में, कभी कभार ओपन करते हैं तो इनके पास दूसरा कोई ओपनर है भी नहीं। हालांकि डोमेस्टिक में कुछ मैचेस में यहाँ पे चनाका दुस्मानता भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है सोटी वाटा को ओपन करने आना चाहिए, और ठीक ठाक से पिक रहेंगे। इंटरनेशनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस है, तो आप ट्राई कर सकते हो इनको। बाकी चनाका दुस्मानता भी ट्राई कर सकते हो, लास्ट गेम जो खेला हो 1 रन की, 35 T20 में 830 रन, 24 के ओवर डोमेस्टिक में ठीक ठाक सा रिकॉर्ड रहा है। बॉलिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, बतौर बल्लेबाज खेलेंगे, ठीक ठाक से ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। डेक्लन सुजुकी की बात करें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड बैट्समैन है, राइट आर्म ओपनर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, 7 मैच खेले हैं, 46 रन बनाए हैं, 4 विकेट निकाले इंटरनेशनल लेवल पर। यहाँ पे कैप्टन मैच कैप्टन का अच्छा ऑप्शन है, रीसेंट में देखिए 20 रन, 12 रन, 0 विकेट, 1 विकेट, 12 रन, 1 विकेट, 2 रन, 1 विकेट, यहाँ भी शानदार पहुंच रीसेंट में भी रहा है, तो अच्छा कर सकते हैं। आपको 3 ओवर के आसपास बॉलिंग डालते हुए नजर आएंगे दोस्त, 3 ओवर, साथ में मिडिल ऑर्डर बैटिंग करेंगे, कैप्टन मैच कैप्टन भी आप चाहो तो बिल्कुल बना सकते हैं। पंकज चंद की बात करें, 22-0-8 रीसेंट में किया है, 39 T20 में 630 रन, मिडिल ऑर्डर खेलेंगे, 20 की एवरेज है, रोटेशन में आप ट्राई कर सकते हो। खान अजमल की बात करें, 1 मैच का मुझे इनका स्कोर कार्ड मिला, 11 रन किए थे, 2 विकेट निकाले थे, देखते हैं कहाँ पे खेलते हैं, नीचे खेलेंगे वैसे। जून यमासिता की बात करें, राइट आर्म ओपनर है, 1 रन, 2 विकेट, 15 रन, 0 विकेट, 7 रन, 2 विकेट, 17 रन, 0 विकेट, इनका रिसेंट का स्कोर है, ठीक ठाक से ऑप्शन रहेंगे, आप रोटेट कर सकते हो। मुकोटो तनियामा की बात करें, लेग ब्रेक बॉलर है, इंटरनेशनल में जापान के लिए 5 T20 मैच खेले हैं, 3 विकेट निकाले हैं, रीसेंट में 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, रीसेंट में फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है तो आप इनको भी ले सकते हो अपनी टीम में। साफी लुकमान ने डोमेस्टिक में जो लास्ट मैच खेला था वो 3 विकेट निकालते, ओवरऑल डोमेस्टिक में 23 गेम में 29 विकेट हैं, ये भी एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ से समत को आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ से उल्ला एहसान रोटेशन में ट्राई कर सकते हैं। बाकी 14 नंबर का स्क्वाड है, ये 3 बेंच में रह सकते हैं, इनमें से कोई खेला तो मैं इनके स्टेट टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बाकी दोस्तों यही प्लेइंग 11 केसी का रहना चाहिए, और बैटिंग ऑर्डर भी यही देखने को मिलेगा। और बात करते हैं दोस्तों अभी हम इस मैच की टीम की, लेकिन जो भी मेरा फाइनल टीम होगा जिस टीम से मैं खेलूंगा, मैं आफ्टर टॉस आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 25,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हमको वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, जुड़ना एकदम से फ्री है, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप जल्दी से आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों बात करते हैं हम इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में एलेक्स पटमोरे के साथ जा रहा हूँ। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सी कोटोकारा को भी आप ट्राई कर सकते हो, दोनों ही अच्छे ऑप्शन है, लेकिन एलेक्स पटमोरे के पास जापान के लिए खेलने का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, इसलिए इनको मैं अपनी टीम में लेके जा रहा हूँ। बात करें दोस्तों यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की, यहाँ से मैंने सी दुस्मानता को लिया हुआ है, हालांकि इनको मैं चेंज कर सकता हूँ आफ्टर टॉस। बाकी यहाँ से सोटा वाटा मस्ट पिक रहेंगे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। और नीचे चलेंगे तो दोस्तों यहाँ से मैंने एन इब्राहिम को लिया, जिनको मात्र 1% सेलेक्शन है, ओपन करते हुए रहेंगे, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, तो इन 3 के साथ मैं जा रहा हूँ। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ से एम तनियामा आपको अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए रहेंगे, 3 से लेकर 4 ओवर के, तो ये मेरी टीम में रहने वाले हैं। बाकी यहाँ से जे यमासिता को लिया हुआ, ये भी कुछ ओवर की बॉलिंग कर सकते हैं, 2-3 ओवर की। बाकी एस रविचंद्रन मस्ट पिक, और जब जापान के लिए खेलते हैं तो वहाँ भी आपको लगभग अच्छी खासी 3-4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, वहाँ भी मिडिल ऑर्डर खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टॉप ऑर्डर खेलते हुए नजर आएंगे, बेहतरीन कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। और सेम डी सुजुकी का, ये भी कुछ मैचेस खेले हैं जापान के लिए, तो ये भी ऑलराउंडर वाला काम करेंगे, तो ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन भी अच्छे ऑप्शन है, दोनों पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। फड़के एक ऑप्शन हो सकते हैं, रोटेशन में ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ से नीबू थॉमस भी रोटेशन लाइक ही ऑप्शन है, क्योंकि इन दोनों का बॉलिंग का कोई भरोसा नहीं। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, यहाँ से पी कुमारे मस्ट पिक रहेंगे, एस लुकमान रीसेंट में अच्छा करके आ रहे हैं, और ऐसे गुरमान सिंह का लिया, डोमेस्टिक में आंकड़े बहुत जबरदस्त हैं, आखिरी के 5 मैच में 10 विकेट ले चुके हैं। कुबोटा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, आफ्टर टॉस हो सकता है, यदि पहले बॉलिंग आएगा एस के एस का तो शायद इनकी जगह मैं इनको लूँगा, ये एक चेंज हो सकते हैं मेरी टीम में, देखते हैं। बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन टीम की फाइनल प्रीव्यू की,
दोस्तों कैप्टन में करा हुआ है ऐसे एस रविचंद्रन को, वाइस कैप्टन दोस्तों मेरे यहाँ से डेक्लन सुजुकी, दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। एस रविचंद्रन ज़्यादा बेहतर टैलेंटेड ऑलराउंडर है क्योंकि टॉप ऑर्डर खेलते हैं और साथ में आपको 3 से लेकर लगभग 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करते हुए रहेंगे। डेक्लन सुजुकी भी आपको 3 ओवर के आसपास डालेंगे, बैटिंग ऑर्डर मिडिल ऑर्डर पर लेकर, लेकिन इनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इनके पास भी है इसलिए इनको मैं वाइस कैप्टन कर रहा हूँ। दोस्तों इन दोनों के अलावा जब सीबीसी कर सकते हो, स्मॉल लीग के अंदर तो दोनों मुझे बेस्ट लगे, ग्रैंड लीग में इन दोनों के अलावा आप यहाँ से एम तनियामक कर सकते हो जो कि एक बतौर बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेंगे, जिन मासीदा को ट्राई कर सकते हो। बाकी बॉलर्स में दोस्तों यहां से आप पी कुमारे को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बनाएगा, बहुत अच्छे आंकड़े हैं, 6 T20 में 8 विकेट निकाले उन्होंने जापान के लिए इंटरनेशनल, 6 T20 इंटरनेशनल खेले हैं, 8 विकेट हैं, तो आप इनको भी ग्रैंड लीग में से बेसी करिएगा। बाकी स्मॉल लीग का टीम मेरा ये रहने वाला है और बीसी टीम से मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा, हालांकि फाइनल टीम नहीं है क्योंकि टॉस के बाद इसमें थोड़ा बहुत अपडेट हो सकता है, लेकिन जो भी मेरी फाइनल टीम है वो जिस टीम से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट रखूंगा, जिस टीम से मैं खेलूंगा, मैं आफ्टर टॉस आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहाँ पर जुड़ना एकदम से फ्री है, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आप तुरंत आगे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी दोस्तों वहाँ पर 25,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी आगे जुड़ जाएं। यदि आपने को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक मिलेगा, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, 50,000 के बहुत नज़दीक हैं, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी पूरे हो जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे आ जाइए, वहीं पे सारा अपडेट दिया जाएगा, और बाकी आज आईपीएल के डबल हेडर है उसका भी टीम आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।